नमस्कार देवियों और सज्जनों, मन की बात के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सौरभ जो दो एपिसोड में इतना चिल्लाया, आज इतने आराम से क्यों बात कर रहा है। दोनों एपिसोड के रिलीज होने के बाद मुझे रिव्यू मिला है कि मैं बिना मतलब का बहुत चिल्लाता हूँ। जिस व्यक्ति ने ये रिव्यू दिया है, कॉलेज खुल जा उसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ मैं ज्यादा चिल्ला के बात करता हूँ ना। बाय द वे, आज के एपिसोड का टॉपिक क्या है? जिन लोगों को नहीं पता, मेरा फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन मोड में। एक सेकेंड, किस जन्म का दुश्मनी है आपको मेरे से आज बता दीजिए। मतलब 12th के बाद मैंने ड्रॉप नहीं लिया कि यार मेरे से फिर से एक साल ये इंजीनियरिंग नहीं होगा। उस समय मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 6 महीना 8 महीना 10 महीना तक चलेगा ये कोरोना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको तो मेरी खुशी बर्दाश्त होगी नहीं। सितंबर 2020 में एडमिशन लिया था और अभी 2022 स्टार्ट हो गया घर बैठे हुए। क्या करूं मैं, बताइए। घर बैठे कॉलेज लाइफ खत्म कर दूं? जो स्कूल में एक सपना देखा था कि यार कॉलेज जाएंगे मजा करेंगे, वो सपना का मैं क्या करूं बताइए? पेपर बोर्ड बना के पानी में बहा दूं? वीडियो रिकॉर्ड करो ना, तभी सबको फोन करना। भाई यार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, थोड़ी देर बाद फोन करना। हे मेरा ऑफलाइन खुल गया, तू ऑनलाइन क्लास कर। एक सेकंड। आज का कोटा इसका पूरा हो गया, अब ये आज किसी को फोन करके बकवास नहीं करने वाला है। कहां पे मैं था? आप हो या निकल गए? अच्छा, किसी और का किस्मत आपको बिगाड़ना होगा ना। ठीक है। तो अब इस बारे में बात नहीं करूंगा कि कॉलेज अभी तक मेरा ऑनलाइन ही चल रहा। इस बारे में बात कर सकता हूँ कि मेरा क्लास सुबह 8 बजे से शुरू होता है। जब क्लास तुम्हारा 8 बजे शुरू हो, तुमको 7 बजे उठना पड़ता है। इतनी ठंड में अगर तुम पानी छू लो, पहले ये बात बोल चुका हूँ, फिर से बोलूंगा नहीं, वही वाला क्लिप चलाऊंगा। अगर आप पानी छू लिए, चलिए आपका टाइम पूरा हो गया। ये जो सुबह में पानी आता है, किसी एक दिन ये मेरा जान ले लेगा, मैं बोल रहा हूँ। हमें तो ठंड लगती नहीं है, हम इंसान कहाँ है, हम तो रोबोट। आराम किसको करना, हम तो रोबोट है, हम तो चल पड़ेंगे झोला लेके। ये डायलॉग कहीं और से चुराए ये नहीं बोलूंगा। लोग कितने खुश होते कि भाई मेरा साल का शुरुआत कितना अच्छा गया, भाई देखो मैंने साल के स्टार्टिंग ही में ये कर लिया। मैंने साल की शुरुआत में कोविड लिया, अभी भी है। मतलब मेरे जैसे इंसान को अगर कोरोना हो जाता है तो वही सबसे बड़ा सरप्राइज है। क्योंकि तुम लोग को पता है मेरा न्यू ईयर का प्लान क्या था? नहीं पता, फिर से नहीं बोलूंगा, पुराना क्लिप चलाऊंगा। आपका 31st का प्लान क्या है? आपका तो यूट्यूब चैनल है, आप तो पूरा दिन भर पार्टी करेंगे। नहीं, मैं घर में रहना ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ। अगर मेरे जैसे इंसान को जो घर से बाहर नहीं निकलता, अपने रूम में बैठा रहता है, उसको कोरोना हो जाए तो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज तो वही है। न्यूज पे क्यों नहीं चल रहा? चलाओ मेरे को न्यूज पे, चलाओ मेरे को भी तो फेमस होना है। एक्ट्रेस को कोरोना हो जाता पार्टी करके, वो तो आ जाता न्यूज पे, ब्रेकिंग न्यूज, पार्टी करते हुए इन एक्टर को हुआ कोरोना। तो हम क्या करें? नहीं करना चाहिए था ना उनको पार्टी? और यहाँ पे मैं घर बैठे बैठे ले रहा हूँ। और ये भी नहीं है कि पहली बार हुआ है, अप्रैल में पहली बार हुआ। ठीक है, लोग कहते हैं कि जिंदगी में हर चीज का मजा लेना चाहिए, ये नहीं ना कहते कि हर टाइप के वेरियंट का मजा लो। मेरे लिए तो वही ना चल रहा है। अप्रैल में हुआ तो डेल्टा वेरियंट, अभी हुआ ओमिक्रोन वेरियंट, मेरा तो वेरिएंट के साथ खेल चल रहा है ना। जो मार्केट में नया आया वेरिएंट आ गया, अभी कौन सा वेरिएंट देना बाकी है? नहीं नहीं बता दीजिए, बैठा हुआ हूँ। अगला वेरिएंट आएगा वो भी आप दे ही देंगे, कहा जाए? नहीं क्या, सब जवाब दीजिए, जवाब मांगो तो ये निकल जाते। हमें क्या, हम तो रोबोट है, हमें जितना भी वेरिएंट दे दो ये शरीर झेल लेगा। एक चीज जो मुझे पसंद था, खाना, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, टेस्ट नहीं आ रहा। हर चीज खा रहा हूँ कड़वा हो रहा है, क्या करूं मैं, मर जाऊं? इतनी आसानी से भी नहीं, मरने भी नहीं दीजिएगा। आज का मन की बात हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जो वायरस है ना, ये बता अंदर से ऐसा कुछ बुलवा देगा ना, उसके बाद मैं जेल में मिलूंगा। हर एपिसोड में एक जेल का जोक आना चाहिए,
मास्क पहनिए, और क्या ही बोलूंगा, अगर आपको भी मेरे तरह शौक है अलग अलग वेरिएंट का, निकलिए, कौन रोका है। बाय द वे अगला एपिसोड वैलेंटाइन वीक्स पे आएगा। बाय।